बड़ी खबर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा से जुड़ी है। बड़ी खबर, यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को देना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट। उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधु ने आने वाले श्रद्धालुओं से फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आने की अपील की है। और आपको बता दें, मुख्य सचिव का बयान, चार धामों में श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित होगी। पिछले साल चार धाम यात्रा की बदहाल स्थिति को देखते हुए सरकार का ये निर्णय है। तो पहले चार धाम यात्रा के दौरान यात्रियों की जो मौत हुई थी, और इसके बाद इस सीजन की यात्रा के लिए मेडिकल फिटनेस और चारों धाम में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने के आदेश दिए गए हैं। तो ये चार धाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। जो यात्रियों की पहले मौत हुई थी उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि इस बार सीजन की यात्रा के लिए मेडिकल फिटनेस टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। चारों धाम में श्रद्धालुओं की संख्या भी सीमित करने के आदेश। और हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, इस बार मेडिकल फिटनेस टेस्ट कराना भी जरूरी है, साथ ही साथ संख्या भी सीमित करने के आदेश हैं। लेकिन संख्या अगर सीमित की जाती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो व्यापारी हैं उनके बिजनेस में खासा नुकसान होगा। बिल्कुल अर्चा, देखिए ये उत्तराखंड की चार धाम यात्रा से संबंधित जुड़ी बड़ी अपडेट है। और इस बार जो चारों धामों की यात्रा में आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी संख्या को सीमित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा जो पूर्व की चार धाम यात्रा रही, यानी पिछले सीजन में जो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, उसको देखते हुए इस बार जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड की चार धामों में आएगा उनको मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य लेकर आना होगा। इसके साथ साथ जितने चारों धाम है उसकी संख्या भी सीमित कर दी गई है। जो फिगर है उसके लिए भी थोड़ा शासन में मशक्कत चल रही है कि आखिरकार 20,000 या 25,000 प्रति धामों में संख्या रखी जाए। लेकिन ये सबसे बड़ी जुड़ी अपडेट चार धाम यात्रा से संबंधित है कि उत्तराखंड के चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित होगी। और जितने भी श्रद्धालु उत्तराखंड में आएंगे उनको मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आना जरूरी होगा, और उसी के बाद ही उनको धामों में प्रवेश करने दिया जाएगा। क्योंकि ये पूर्व में ऐसी स्थिति रही है कि अधिक मौतें हुई है, और जो बदहाल पूर्व की जो पिछले सीजन की चार धाम यात्रा थी उसमें बड़ी दिक्कतें श्रद्धालुओं को झेलनी पड़ी थी। इस बार मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधु ने निर्देश दिए हैं कि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में आएगा उनको कोई दिक्कत न हो, अच्छा मैसेज उनके लिए हो उत्तराखंड की चार धाम यात्रा को देखते हुए। उसी पर पूरी तरीके से मशक्कत चल रही है। लेकिन ये सबसे जुड़ी बड़ी खबर और बड़ी अपडेट उत्तराखंड की चार धाम यात्रा से संबंधित है कि आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। पिछली यात्रा को देखते हुए इस बार कई सीख ली गई और कई बदलाव इस बार यात्रा को देखते हुए किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।